माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमत्कारिक स्थान मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर। हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है माता का ये मंदिर। सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशालकाय क्षेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं विद्यमान था। माँ हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान ही नहीं अपितु पूरे भारत में है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। सिंध कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रतिवर्ष एक दल यहाँ दर्शन के लिए जाता है। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता है तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। वे स्त्रियाँ जो इस स्थान का दर्शन कर लेती उन्हें हाजी यानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चुल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चुल एक प्रकार के अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भर दिया जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुँचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी पीड़ा नहीं होती और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। पौराणिक कथानुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को लेकर अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है, कहा जाता है कि इस रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती हैं। जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए सिद्धपीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आशाराम नामक स्थान अब भी यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर की परिक्रमा यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती हैं। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही, बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फलूल और सिरनी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह एक नानी पीर का स्थान है। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों ने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सभी के सभी हवा में लटक गए थे। इस सिद्धपीठ की यात्रा के दो मार्ग हैं, एक पहाड़ी का और दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी। कराची से 6-7 मील चलकर हाव नदी पड़ती है, यहीं से हिंगलाज की यात्रा शुरू होती है। यहीं शपथ ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर लौटने तक की अवधि तक के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है।
यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके प्रातःकाल हिंगलाज माता की जय बोलकर मरुतीर्थ की यात्रा प्रारंभ की जाती है। रास्ते में कई बरसाती नाले और कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है। चंद्रकूप और हिंगोल नदी के मध्य लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवा कर पूजा करते हैं और यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसके बाद गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है। इसके आगे कोई सड़क नहीं है, इसलिए ट्रक या जीप पर ही यात्रा की जा सकती है। हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं। इसके आगे आशापुरा नामक स्थान आता है, यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के वस्त्रोतार कर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों और ज़रूरतमंदों के हवाले कर देते हैं। इससे थोड़ा आगे माता काली का मंदिर है। इस मंदिर में आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं। यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं, जहाँ मीठे पानी के 3 कुएँ हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन और तन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। बस इसके आगे पास ही माता का मंदिर है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता हिंगलाज देवी ज़रूर लिखें।